पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि सरकार प्राइवेट लिमिटेड सरकार बनकर रह गई है और भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा दे रही है। आज जिला सचिवालय के समीप बैठे रोडवेज कर्मचारी यूनियन के धरने पर उन्हें समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने रोडवेज महाप्रबंधक के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो उनके संबंधी हैं के सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार देने पर कहा कि लालू यादव पिछड़ी जाति के नेता हैं और गरीबों के हकों की आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए केंद्र सरकार उनके खिलाफ मामले दर्ज करवा रही है। रिवाड़ी से अजय अत्री, अजा टीवी न्यूज। सारी संघ और रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा दोनों के जो यूनियन है आज धरना पे बैठी हुई है और इनकी जो मांग ये है कि जो सरकार की संपत्ति है जिसको खुर्द बुद किया गया है यहाँ के महाप्रबंधक ने, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो सामान उठा के यहाँ ले गया है तो जो अपने निजी कार्य के लिए ले गया उसको वापस लेना चाहिए। सरकार को ऐसे अधिकारियों को किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर दे रही है इसके मतलब भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में चाहे वो जायो कंपनी हो चाहे वो अडानी अंबानी वाले हो, आज बिजली जो है जो हमारे कारखाने बंद कर रखे हैं और महंगी बिजली लेकर जो है लोगों को दी जा रही है, रात भर गांव में बिजली नहीं आती है। पानी की आप देख रहे हैं आप कि नहर जो है शहर में एक हफ्ता लेट आई है, तो कर्मचारी सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे आत्महत्या कर रहे हैं, सड़कों पे हैं किसान, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर रहे। कोई वर्ग चाहे व्यापारी वर्ग हो सब सरकार से नाराज हैं और सरकार पूर्ण रूप से अपने कारगुजारियों से बिल्कुल फेल हैं।